हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आ, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को लेकर के और एक जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है तो इसमें हम लोग को क्या करना है तो लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया जो है उसको भी बताना है गिवन अकाउंट ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवलिया लाइफ साइकिल ऑफ ओवलिया में जो भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण होता है उस पर भी एक अकाउंट देना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में अकाउंट देना हिंदी में कहें तो पीढ़ी एकांतरण को जानेंगे कि आखिर पीढ़ी एकांतरण क्या है और ओबिलिया जो है उसके जीवन चक्र की सहायता से इसे समझाइए था मेड्यूसा के विकास पर टिप्पणी लिखिए ठीक है थीके? या ऐसे भी बोलिए कि ओबिलिया कॉलोनी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जुआट्स का वर्णन जो है वो करना है तो आइए हम लोग अब हम लोग इस क्वेश्चन का जो है आ, आंसर को जानें मैं बता दूँ कि ये जो आपको पढ़ना है पीढ़ी एकांतरण क्या है और ओबिलिया का जो जीवन चक्र है उसकी सहायता से समझाइए था मेड्यूसा के के विकास पर टिप्पणी लिखिए हम लोग को बी एफ सी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इसे स्टडी करना है ठीक है तो आइए हम लोग जानते हैं कि पीढ़ी एकांतरण क्या है और ओविलिया का जो लाइफ साइकिल है उसमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो है कैसे होता है उसके विकास पर जो है एक टिप्पणी जो देना है उस चीज़ को इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानेंगे तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ओबिलिया जो है ओबिलिया जो है उसमें कैसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है इस बात को तो ओबिलिया एक स्थानबद्ध समुद्रवासी और निवही कैसा तो निवही हाइड्राम जंतु है जो समस्त विश्व में पाया जाता है यह अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों रूपों में मिलता है सामान्यतः तो ओबिलिया कॉलोनी में तीनों प्रकार के जीवक जो है वह पाए जाते हैं तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओबिलिया जो हमारा होता है वह एक स्थानबद्ध समुद्रवासी यानी वही हाइड्राम जंतु है जो समस्त विश्व में पाया जाता है यह अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों रूपों में मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।, है कि अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों रूपों में मिलता है सामान्यतः जो ओबलिया होता है कॉलोनी में तीन प्रकार के जैविक जो है पाए जाते हैं फर्स्ट जो हमारा वह है पॉलीपिया हाइड्रेंथ ठीक है तो पॉलिप निवाह का जठर जीवक होता है इसका रंग पिताब और आकार जो है बेलनाकार खोखले कोष की भांति जो है होता है इसका आधार जो है संकरा होता है और हाइड्रोस्तंभ के सीनोसार्क के साथ जुड़ा होता है जबकि दूरस्थ भाग जो है एक शंकुरूपी उभार अधुरंध्र बनाता है अधुरंध्र पर एक शीर्षस्थ चित्र होता है इसे मुख्य कहते हैं इसमें प्रसार तथा संकुचन की क्षमता होती है अधुरंध्र के आधार से निकलते हुए लगभग तीस तंतु रूपी स्पर्शक जो है होते हैं जो अधुरंध्र की अपेक्षा कहीं बड़े होते हैं ये स्पर्शक ठोस होते हैं हाइड्रेंथ के चारों ओर से आवृत करने वाली पेरिस ओर फैल कर एक ढीले एवं पुष्प पात्र के समान आरक्षी आवरण बनाती है जिसे जैसा प्रावार कहते हैं यह दूरस्थ सिरे पर खुलता रहता है खुला रहता है इस प्रकार का आधार जो है अंदर की ओर वलय के समान एक क्षैतिज जो है सेल्फ में वृद्धि कर जाता है जिस पर हाइड्रेंथ

हाइड्रो स्तंभ पूर्ण रूप से जो है विकसित हो जाता है कैसे हो जाता है तो हाइड्रो स्तंभ जो है वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ठीक है जब कलर चेंज कर लेते हैं इसको ग्रीन कर दें जब हाइड्रो अस्तंभ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो हमारा जब हाइड्रो स्तंभ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब जो है इस पर विशेष प्रकार जो है कि बेलनाकार संरचनाएं बनी बन जाती है जिसे ब्लास्टो स्टाइल या जनन जीवक कहते हैं क्या कहते हैं ब्लास्टो स्टाइल या जनन जो है जीवक कहते हैं हाइड्रेंथ की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है और ये निवाह के निचले भाग में प्रौड हाइड्रेंथों के कक्ष में पाए जाते हैं जनन जीवक का आकार एक ऐसी संकरी नली के समान होता है जिसका दूरस्थ सिरा बंद रहता है इसमें मुख्य एवं स्पर्शकों का अभाव होता है और इसकी जठरवाही का गुहिका अत्यंत छोटी हो जाती है जनन जीवक को आवृत करने वाला पेरीसोर्प एक ढीला पारदर्शी पुष्प पात्र के समान संपुट बनाता है जिसे जनक प्रकार का जो जिसे जो है जनक परावार कहते हैं इसके शीर्ष पर एक कॉलर

ओवीलिया का तीसरा नंबर जीवक मेड्यूसा है तो इसमें हम लोग जाने हैं कि जो हम लोग का मेड्यूसा है पूर्ण निर्मित मेड्यूसी जो है पृथक एक छिद्र द्वारा जो है जल में स्वतंत्र हो जाती है इस छिद्र को जनन रंध्र कहते हैं क्या कहते हैं जनन रंध्र कहते हैं इस बात को याद रखना है कि इससे जो है पूर्ण निर्मित जो मेड्यूसी है उससे पृथक एक छिद्र द्वारा जो है जल में स्वतंत्र हो जाती है जिसे जिस छिद्र को जो है जनन रंध्र कहते हैं इसका निर्माण जो है जनक प्रावार के शीर्ष के फटने से होता है ब्लास्टोस्टाइल मेड्यूसी सहित जनन प्रावार को जो है जनकधानी कहते हैं अब ओबिलिया का जीवन वृत्त की चर्चा करें लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया तो इसमें निशेषण जो होता है ओबिलिया में वह निषेचन क्रिया जो है या तो समुद्र के जल में होती है या जो है वह जल की धाराओं द्वारा शुक्राणुओं को मादा मेड्यूसा तक ले जाया जाता है जहाँ अंडे शरीर में ही निषेचित हो जाते हैं पितृ मेड्यूसी जुगमकों को मुक्त करने के फ़ौरन बाद ही जो है वह मर जाती है नेक्स्ट अगर इसके परिवर्धन की चर्चा किया जाए तो ओबिलिया का निषेचन के बाद परिवर्धन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परिवर्धन जो होता है ओबिलिया में वो देखने को मिलता है तो इसमें जुगमनत जो होता है जाइगोट जो होता है आ, इसमें पूर्ण भंजी व समान विदलन जो है होता है और इसके स्वरूप जो है कोशिकाओं के एक ठोस गेंद के समान मारूला बन जाता है मोरूला बन जाता है कहिए मारूला हिंदी में लिखा है मोरूला हो गया यहाँ पर तो मोरूला बन जाता है इसके पश्चात जो है ब्लस्टेस्टूला कहिए ब्लास्टूला ठीक है तो ब्लास्टूला अवस्था आती है यह कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है गेंद के समान जो लास्टूला स्टेज जब आता है परिवर्तन के समय तो उस समय यह जो है खोखली गेंद के समान जो है सेल्स होती है इसकी गुहिका को जो है कोरक गुआ कहते हैं और कारक खंडों से आस्तरित रहती है कोरक खंडों के आंतरिक सतह से नई कोशिकाएँ जो है बनकर पृथक होती रहती है और कोरक गुआ में जो है मरती जाती है अंत में संपूर्ण गुआ जो है मर जाती है भुरून होता है अब एक ठोस गैस्टूला बन जाता है क्या बन जाता है तो जो इमराइयो होता है या इमरियो कहिए तो वह जो है एक ठोस जो है सॉरी गैस्टूला बन जाता है इसके सबसे जो है बाहरी स्तर को एक्टोडर्म और अंदर के स्तर को जो है वह एंडोडर्म कहते हैं और इसके बाद गेस्टूला जो होता है इसके बाद गेस्टूला जो होता है वह लंबाई में बढ़ता है और इसकी बही चर्मी कोशिकाओं में जो है पक्षमाप बन जाते हैं जिससे जो है एक है मुक्त प्लावी मलेनुला लार्वा बन जाता है प्लेनुला का अगला सिरा जो है पिछले सिरे की अपेक्षा चौड़ा होता है कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग लिखा भी गया है इसको पढ़िए आप लोग देखिए और कलर चेंज करके रेड कर लेते हैं हम लोग तो हम कि का अगला सिरा पिछले सिरे की अपेक्षा जो है वो तो चौड़ा होता है इसके ठोस एंड्रोडर में विस्तरण क्रिया द्वारा एक का विकसित हो जाती है जिसे अंधात्र कहते हैं और प्लेनुला अब एक वास्तविक दिव्य लार्वा बन जाती है जिसमें एक बाहरी पक्षमापित एक्टोडर्म एक भितरी एंडोडर्म होती है ठीक है उसके बाद देखेंगे कुछ समय के सखिय मुक्त प्लावी जीवन के पश्चात यह लारवा जो है जल में नीचे डूब जाता है अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर जलाशीय पौधे लकड़ी तथा समुद्र के किसी ठोस पदार्थ पर चिपक जाता है और कायांतरण करता है इसका प्रारंभिक सीरा जो होता है और चिपकने के लिए आधारिय बिंब बनाता है दूरस्थ स्वतंत्र सिरे पर मुख्य सहित एक हस्तक और स्पर्शकों के को एक वृतक विकसित हो जाता है और अब एक लार्वा जो होता है और सामान्य पॉलिप जो है वह दिखलाई जो है देने लगता है जिससे जो है हम लोग इसको हाइड्राइला जो है कहा जाता है अलैंगिक मुकुलन की एक विस्तृण प्रक्रिया द्वारा हाइड्रिला जो होता है धीरे धीरे अपने ओबिलियन निवाह में बदल जाता है ठीक है तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत इस लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत जो हम लोग यहाँ तक स्टडी कर लिए अगले लेक्चर में जो है हम लोग इसके पीढ़ियों का एकांतरण जो है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मेटाजिनेसिस जिसे कहा जाता है यहाँ से हम लोग कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे ठीक है अगर आप इस चैनल पर नए हैं बी एस सी वॉकनी एंड बी एस सी या बी एस सी जोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नए वीडियोज अपलोड हो तो सबसे पहले नोट फिकेशन आप ही के पास पहुंचे चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर फर्स्ट था लेक्चर टू वी, वाले वीडियोज में